शहर के बिंबा गेट समीप एक घर में आज सुबह तेंदुआ घुस गया। करीब 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। विधायक जोरगेवार भी सुबह से ही मौके पर डटे रहे। शहर के बिंबा गेट समीप अतिव्यस्त चौक के एक घर में तेंदुआ घुसने से परिसर में हड़कंप मच गया। करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू करने में वन विभाग को कामयाबी मिली है। इस समय वन विभाग को तेंदुए का रेस्क्यू करना आसान नहीं था। बावजूद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने तेंदुए को डॉट मार कर बेहोश किया और पिंजरे में कैद कर ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के बिंबा गेट समीप स्थित चिकन मार्केट परिसर में एक घर के झोपड़ी में तेंदुआ सुबह स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। तेंदुए की खबर पूरे शहर में फैलते ही हजारों की संख्या में नागरिक तेंदुए को देखने के लिए गर्दी कर रहे थे, जिससे पुलिस विभाग को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग ने 4 शार्प शूटर को तैनात कर प्रयास शुरू कर दिया, परंतु घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू किया गया। इस समय वन विभाग के शूटर ने कई बार तेंदुए को डॉट मारने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ बचता रहा। इस बीच तेंदुए ने भीड़ पर हमला करने की कोशिश की है। तेंदुआ इस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इलाके में तेंदुए के उत्पात से नागरिक दहशत में थे, जिससे पुलिस बंदोबस्त भी कड़ी संख्या में लगाया गया था। इसी बीच तेंदुए का एक CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि तेंदुए रिहायशी इलाके में बेखौफ घूम रहा है। तेंदुए के पीछे कुत्ते लगने के कारण तेंदुआ एक घर में घुस गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद परिसर के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस पूरे मामले के संदर्भ में डिविजन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत खाड़े ने जानकारी दी। अहमदनगर एरिया में सवेरे कुछ वो बिबट के पीछे कुत्ते लगे थे, तो वो खुद की जान बचाने के लिए उसके पीछे घर दिख रहा है, तो घर में उसने आश्रय लिया। फिर जैसे ही वन विभाग, पुलिस प्रशासन और महसूल प्रशासन, इनको सब कुछ जैसे ही पता चला, वैसे ही पूरे प्रशासन अलर्ट होके उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली तय किया। यहाँ पे हमारे जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है नायगमकर साहब, उनकी टीम, RRU यूनिट, रैपिड रिस्पांस यूनिट, इकोप्रो संस्था, इन सब ने अपनी जान हथेली पे रख के अंदर घुस के उसको रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली करके दिखाया है। और यहाँ पे माननीय आमदार साहब सवेरे से हमारे साथ में है, और यहाँ पे जो रहवासी है उन्होंने हमारी ये योजना को और ये सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने बहुत सहायता की। मैं सबको इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे ही इस मामले की जानकारी विधायक किशोर जोरगेवार को मिली, वे तत्काल मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति पर नजर रखते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए समय समय पर उचित सूचना देते हुए विधायक किशोर जोरगेवार भी 5 घंटे तक मौके पर मौजूद रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम को सम्मानित किया। सकाळी 5:30 वाजता बिबट मोठा जातीचा, नर जातीचा, फार मोठ्या आकाराचा बिबट या भरपूर दाट अशा लोकवस्तीमध्ये या ठिकाणी आला, आणि मी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं विशेष अभिनंदन करेल की त्यांनी आपला जीव धोक्यामध्ये टाकत या नागरी वस्तीमध्ये शिरलेल्या बिबट्याला अतिशय सुरक्षितपणे त्या ठिकाणी त्याचा रेस्क्यू केलेला आहे। इकोप्रोचे बंडूभाऊ धोत्रे व त्यांचे सर्व सहकारी त्यांचं अभिनंदन करेल। तहसील ऑफिसचे तहसीलदार साहेब ते स्वतः या ठिकाणी राहिले, महानगरपालिका या सर्वांनी अथक परिश्रम करत या बिबट्याचं रेस्क्यू केलेलं आहे। आणि जेव्हा या बिबट्याला पाहण्यात आलं, सगळ्यात मोठा आकार मानाचा नर जातीचा बिबट्या आहे आणि खूप मोठी दुर्घटना होता टळलेली आहे। पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या मी सर्व अधिकाऱ्यांचं, विशेष करून खाडे साहेबांनी त्यांची सर्व टीम या ठिकाणी सकाळपासून या ठिकाणी जेव्हा बिबट्या माहीत झाला तेव्हापासून आहे आणि अतिशय सुरक्षितपणे योग्य पद्धतीनं, कारण की मानवी वस्तीमध्ये एवढ्या घनदाट वस्तीमध्ये बिबट्याचं रेस्क्यू करणं हे फार डेंजरस आणि कठीण काम असतं, परंतु ही अशी जोखीमेची जबाबदारी आमच्या या अधिकाऱ्यांनी पार पाडलेली आहे। त्यांचं विशेष चंद्रपूरच्या जनतेच्या वतीनं मी त्याचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। उसको भी देगा, मैं इनको देगा।
देतो ना काय तुला व्हिडिओ बस ना तू व्हाट्सअप नंबर दे तुझ्या हां भेटून जाते तुले बस तू खाली आज तो आकडून देन दिया भाई आम्हाला हां येजे तो हेलो